क्या भैया में शामिल है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इस यात्रा का जो रिस्पांस है वो अनप्रेसिडेंटेड है, और जितना जनता में एक माहौल था महाराष्ट्र में, उससे ज़्यादा मध्य प्रदेश में हो रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। और पब्लिक के अंदर एक सेंटिमेंट है, जिन मुद्दों को लेकर आज राहुल गांधी जी आज उतरे हैं सड़कों पे, वो मार्मिक मुद्दे हैं, जनता जुड़े हुए हैं, महंगाई का, बेरोजगारी का, आपस में तनाव का, हिंसा का, आक्रमण का। तो एक प्यार और एक सद्भावना और एक जमीनी मुद्दों को लेकर जो आवाज़ उठा रहे हैं पब्लिक के बीच में जाकर, उसका अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और मुझे लगता है कि हमारा जो विरोधी दल है भाजपा, उसके अंदर भी घबराहट है कि इतना पब्लिक रिस्पांस मिल रहा है, और 2000 किलोमीटर वो चल चुके हैं और लगातार ये समाप्त बनता चला जा रहा है, ये मैं समझता हूँ बहुत शुभ संकेत है। सर, असम के सीएम है हेमंत बिस्वा, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की जो चेहरा है वो सद्दाम हुसैन की तरह। देखिए, ये व्यक्ति का जो टीका टिप्पणी है ये उन्हीं को शोभा देती है जो उस दल में रहते हैं। हम लोग तो सैद्धांतिक बात कर रहे हैं, गरीबों की बात कर रहे हैं, किसान की, मजदूर की, नौजवान की, मध्यम वर्ग की, छोटे मोटे कारोबारियों की। पब्लिक के बीच जाके पब्लिक से बात कर रहे हैं, उसमें किसी को क्या पीड़ हो सकती है? हम तो आरोप नहीं डाल रहे हैं, हम तो किसी पर उंगली नहीं उठा रहे हैं, हम तो सवाल पूछ रहे हैं और जनता का प्यार बटोर रहे हैं। मैं समझता हूँ उसमें राहुल जी कामयाब रहेंगे। सर, राजस्थान में जिस तरह की सियासी उठापटक चलती रहती है, आए दिन ये खबरें आती हैं कि कुछ होगा, आप जाके दिल्ली जाते हैं, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं कि अब होगा कुछ। जो भी निर्णय लेना है वो पार्टी निर्णय लेगी, लेकिन राहुल जी की यात्रा राजस्थान में आएगी, शानदार ऐतिहासिक स्वागत वहाँ पर होगा, जनता बहुत उत्साहित इंतजार कर रही है। और अगले साल चुनाव है, हम सब चाहते हैं चुनाव हम जीतें और दोबारा सरकार बनाएं, ये हम सबका जो सबसे बड़ा हमारा जो उद्देश्य वो है कि जो निर्णय भी नहीं हुआ है वो आगे आने मुझे लगता है बहुत जल्दी निर्णय लिए जाएंगे और पार्टी के हित में लिए जाएंगे। देखिए, इस यात्रा का जो रिस्पांस है वो अनप्रेसिडेंटेड है, और जितना जनता में एक माहौल था महाराष्ट्र में, उससे ज़्यादा मध्य प्रदेश में हो रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। और पब्लिक के अंदर एक सेंटिमेंट है, जिन मुद्दों को लेकर आज राहुल गांधी जी आज उतरे हैं सड़कों पे, वो मार्मिक मुद्दे हैं, जनता जुड़े हुए हैं, महंगाई का, बेरोजगारी का, आपस में तनाव का, हिंसा का, आक्रमण का। तो एक प्यार और एक सद्भावना और एक जमीनी मुद्दों को लेकर जो आवाज़ उठा रहे हैं पब्लिक के बीच में जाकर, उसका अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और मुझे लगता है कि हमारा जो विरोधी दल है भाजपा, उसके अंदर भी घबराहट है कि इतना पब्लिक रिस्पांस मिल रहा है, और 2000 किलोमीटर वो चल चुके हैं और लगातार ये समाप्त बनता चला जा रहा है, ये मैं समझता हूँ बहुत शुभ संकेत है। सर, असम के सीएम है हेमंत बिस्वा, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की जो चेहरा है वो सद्दाम हुसैन की तरह। देखिए, ये व्यक्ति का जो टीका टिप्पणी है ये उन्हीं को शोभा देती है जो उस दल में रहते हैं। हम लोग तो सैद्धांतिक बात कर रहे हैं, गरीबों की बात कर रहे हैं, किसान की, मजदूर की, नौजवान की, मध्यम वर्ग की, छोटे मोटे कारोबारियों की। पब्लिक के बीच जाके पब्लिक से बात कर रहे हैं, उसमें किसी को क्या पीड़ हो सकती है? हम तो आरोप नहीं डाल रहे हैं, हम तो किसी पर उंगली नहीं उठा रहे हैं, हम तो सवाल पूछ रहे हैं और जनता का प्यार बटोर रहे हैं। मैं समझता हूँ उसमें राहुल जी कामयाब रहेंगे। सर, राजस्थान में जिस तरह की सियासी उठापटक चलती रहती है, आए दिन ये खबरें आती हैं कि कुछ होगा, आप जाके दिल्ली जाते हैं, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं कि अब होगा कुछ। जो भी निर्णय लेना है वो पार्टी निर्णय लेगी, लेकिन राहुल जी की यात्रा राजस्थान में आएगी, शानदार ऐतिहासिक स्वागत वहाँ पर होगा, जनता बहुत उत्साहित इंतजार कर रही है। और अगले साल चुनाव है, हम सब चाहते हैं चुनाव हम जीतें और दोबारा सरकार बनाएं, ये हम सबका जो सबसे बड़ा हमारा जो उद्देश्य वो है कि जो निर्णय भी नहीं हुआ है वो आगे आने मुझे लगता है बहुत जल्दी निर्णय लिए जाएंगे और पार्टी के हित में लिए जाएंगे।